बात और मुझे याद आई, अभी भजन से पहले मैंने कहा कि आप किसी भी असहाय की मदद करें तो वो भक्ति है, वो बिल्कुल सही बात है। परंतु मंदिर में जाना, पूजा करना, प्रभु को आरती करना, माला चढ़ाना, कुछ लोग इसको भी कहते हैं कि ये भी ढोंग है। तो इस बात को मैं ज़रूर कहूँगी कि मंदिर जाना बहुत आवश्यक है, माला करना, भजन करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि सेवा का फल बहुत है। परंतु अगर सेवा भजन के बगैर की जाए तो वो सेवा अभिमानी बन जाती है, उस सेवा का हमें अभिमान आ जाता है कि मैंने उसकी मदद की, मैंने वो किया। इसलिए भजन बहुत जरूरी है, मंदिर जाना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि दुनिया में जितने मंदिर बने हैं ये सब बेकार है, नहीं। अगर मैं आपसे साधारण सी एक बात कहूं, बहुत से लोग होते हैं क्लब जाते हैं, पब जाते हैं, वहां जाके पीते हैं, तो शराब तो कोई घर भी पी सकता है, लेकिन उसको क्लब और पब में जाके क्यों पीते हैं? पैसा खर्च करो, इससे अच्छा कि घर लेके भी तो पी सकते हो, लेकिन वहां जाते हैं क्यों? क्योंकि वहां का माहौल कुछ अलग होता है। वैसे ही प्रभु की भक्ति बिल्कुल घर में कर सकते हो, लेकिन मंदिर जब जाते हैं, मंदिर का जो वातावरण होता है, वहाँ जाके भजन ना भी करो, बैठ भी जाओ आधे घंटे, तो अपने आप मन को स्वतः ही शांति मिलती है। तो इसलिए इस बात को बिल्कुल भी ना सोचे कि मंदिर नहीं जाना चाहिए। ये सब भक्ति के अंग हैं। तो महात्म्य में प्रवेश करें उससे पहले अपने मन को तैयार करें, क्योंकि मन जो है ये बड़ा कथा में ब्लैकमेल करता है। मन जो होता है वो बच्चे की तरह होता है, जैसे बच्चा अपने पिता को ब्लैकमेल करता रहता है ना, वो ट्रेन में बैठा है, बच्चा पापा से बोला, पापा पापा आइसक्रीम चाहिए, पापा बोला चुप बैठ, बड़ी ठंड पड़ रही है, ऐसे में आइसक्रीम नहीं, गला खराब है, नहीं नहीं पापा आइसक्रीम चाहिए, पापा ने फिर से डांट लगाई, नहीं बैठेगा चुप, बेटा बोला नहीं दिलाई तो बता दूंगा, बस कहना था कि पापा स्टेशन पे आइसक्रीम, चिप्स, बिस्किट सब ले आया, ले बेटा खा। थोड़ी आगे बढ़ा, पापा पापा नीचे स्टेशन पे घूमने जाऊंगा, पापा बोला नहीं बेटा बड़ी भीड़ हो जाएगा, पापा ले चलो वरना बता दूंगा, पापा तुरंत हाथ पकड़ा नीचे स्टेशन पे, जो मांगे सो दिलाए। पहले तो मना करे नहीं 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 दूंगा, लेकिन वो कहे पापा बता दूंगा, तो तुरंत हाजिर जो मांगे। एक आदमी बैठा बैठा वहीं से देख रहा था, मतलब ये चक्कर क्या है, ये कुछ कहता है तू दिलाता है नहीं, ये कहता बता दूंगा तू तुरंत राजी हो जाता है, ये बात क्या है। पिता बोला क्या बताऊं भाई साहब, ये जो मेरा बेटा है ना ये 16 साल का, अच्छा दिखने में तो 8 साल का सा लग रहा है, बोले यही तो परेशानी है, दिखने में 8 साल का, इसलिए मैंने इसकी आधी टिकट ली है, इसलिए बार बार कहता नहीं दिलाई तो टीटी को बता दूंगा, इससे अच्छा इसकी टिकट लेता तो उतना खर्चा तो शायद उसमें भी नहीं होता जितना अब इसकी इच्छा पूरी कर रहा। मन भी कथा में बैठे बैठे सासू अम्मा को कहेगा, सासू सोचेगी घर पे बहू को अकेली छोड़ के आई हूं, कुछ तिजोरी में से निकाल न ले, सासू को बड़ी, अब देखे उम्र बढ़ती है तो दिखाई देना बंद हो जाता है, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, किस लिए? क्योंकि भगवान ने कहा सासू अब तूने बहुत बहुत बातें सुन ली बहू की, बहुत बोल ली, अब थोड़ी शांत रहे,
बहू की सुन्नी बनकर राम नाम ले, लेकिन सांस कहां मानने वाली, तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के कान वाली मशीन लगा लेगी लेकिन मानेगी नहीं। इसलिए एक बच्चे को जैसे आप समझाते हो कि बेटा शांत बैठा रहे, बेटा चुप हो जा, बाद में चॉकलेट दिलाऊंगा, वैसे ही 7 दिन तक इस मन को कहो कि भैया तू शांति से 7 दिन हमें कथा सुनने दे, तू 7 दिन के बाद जो बोलेगा तेरी सारी इच्छा पूरी करे, या फिर 7 दिन के बाद इसको करेले का जूस ही पिला देना, पर फिलहाल इसको समझा के रखो। तन तो कथा सुनने के लिए तैयार है परंतु मन नहीं है। क्यों? क्योंकि तन कथा में बैठते हो 3 घंटे में पैर दुखने लग जाते हैं, पैर दुखे, और अगर यही हमको कोई पैसों के बीच में बढ़िया हजार हजार की नोटों की गड्डी गिनने बिठा दे तो वहां पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वहां मन होता है, तो इसलिए यहां भी मन हो और पूरे मन से इस श्रीमद् भागवत के महत्व को श्रवण करें। तो सबसे पहले सभी भागवत के महत्व का जो सब प्रथम श्लोक है, हाथ जोड़ करके मेरे पीछे पीछे उस श्लोक का पाठ करें। सच्चिदानंद रूपा सच्चिदानंद दिनेशा, आदि पुराण वेद भी यही कहते हैं। ब्रह्म संहिता में लिखा है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कार कारण। प्रभु कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान के हजारों नाम है जो जिस नाम से पुकारता है प्रभु पहुंच जाते हैं, परंतु प्रभु का एक नाम है आनंद कंद। इसलिए जब कन्हैया प्रकट हुआ तो ब्रज में हल्ला मचाया कि नंद के कुछ आवाज है कि नहीं है, नंद के आनंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, लाल की। सबने गाया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद जो है बड़ा प्यारा शब्द है,
यहाँ से जो पिछली कथा हुई थी गौ सेवा धाम हॉस्पिटल की धरा पर जून के महीने में, वहाँ बहुत सारे श्रोता आए थे जो आज यहाँ भी आए हैं, वहाँ पे मैंने एक बात कही थी कि आनंद उसको मिलता है जो दूसरों को आनंद देता है। ये एक आप एक लॉ कह लो, जैसे साइंस में लॉ होता है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, बाकी बहुत सारे लॉ होते हैं, तो ये भी एक नियम है प्रकृति का कि आप आनंद दोगे तो आपको मिलेगा। अब इसी बात में मैं एक और चीज जोड़ू कि आनंद कैसे मिलेगा। पहली चीज तो ये है कि दूसरों को आनंद दो, ये आप पहली कथा में सुन चुके। अब दूसरी चीज जिससे हमें और आनंद मिलेगा वो ये है, बड़ी ध्यान पूर्वक जानने और मानने लायक बात है, अगर मानो तो, क्योंकि भागवत तो ऐसी ऐसी बातें हमें सुनाती है, बस शर्त है कि आप अपना हृदय खोल करके यहां बैठो। किसी ने कहा भैया शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अमृत बरसाता है, इसलिए भैया तू चुपचाप रात को चंद्रमा के नीचे मटका जाके रख देना, तेरे मटके में अमृत आ जाएगा। आदमी बड़ा खुश हुआ, रे वाह अमृत मिलेगा, रख दिया। दूसरे दिन सुबह हुई, गया, एक बूंद भी मटके में कुछ नहीं मिला, तो उस आदमी के पास दौड़ा दौड़ा गया, अरे भैया तूने कहा था अमृत मिलेगा, मिला क्यों नहीं? बोले भैया तूने मटका रखा था? बोले हाँ रखा था। कैसे रखा था? तब सर पे हाथ, अरे बाप रे बड़ी गलती हो गई, मैं तो मटके को सीधे रखने की बजाय उल्टा रखाया, घड़ा भीगा तो सही लेकिन भरा नहीं। वैसे ही अपनी बुद्धि को अपने हृदय को या उल्टा रख के रखोगे ना तो भीगोगे तो सही परंतु भरोगे नहीं, यहां से बाहर जाती चप्पल स्टैंड पर पहुंचते ही ठंडे हो जाओगे, सब सब खाली। तो अगर भरना है तो अपनी बुद्धि, और बुद्धि तो भागवत में बुद्धि का विषय नहीं है, भागवत तो प्रेम का विषय है, भागवत दिल से सुनी जाती है, बुद्धि से नहीं समझी जाती। तो दूसरी बात, कैसे आनंद मिले, इसका एक सूत्र कह लो, नियम कह लो, लॉ कुछ भी कह लो, वो ये है कि आप शिकायतें करना बंद कर दो। शिकायतें करना बंद मतलब दूसरों को बुरा कहना बंद कर दो, चाहे वो बुरा है, भले वो शराब पीता है लेकिन आप उसको गाली मत दो कि ये शराब पीता बड़ा बेकार आदमी, नहीं, अरे हर एक आदमी जज बन रहा है, सब निर्णय लेते ये बुरा है ये अच्छा, सब जज बने फिर रहे ब्रह्मांड के, वो किस लिए बैठा है, उसका क्या काम है, वो भी तो किसी लिए बैठा है, उसको जज बनने दो, सब सब गुनहगार कौन है यही नहीं पता, सब न्यायाधीश बने घूम रहे, ये आदमी अच्छा है ये बुरा है, ये बुराइयां करता, ये कथा ध्यान से नहीं सुनता, हाँ ये नाचता है कथा, अरे आप क्यों क्यों निर्णय लेते हो, वो बैठा सब देख रहा है, उसको निर्णय करने दो। मैं फिर कहूं, अगर कोई आदमी बुरा करता भी है उसको कोसो मत, अगर हिम्मत है तो उसको सुधारने की कोशिश करो, उसको कोसो मत, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, लेकिन जब अपने अंदर देखा तो पता चला दुनिया तमाम उम्र सिर्फ एक ही भूल करती रही, धूल चेहरे पर थी और ये आईना साफ करती रही, अपनी गलती नहीं देखी बस सामने वाले की देखते रहे, ये बुरा है ये अच्छा है,
शिकायतें कम करो। अगर आपके घर में कोई आदमी गलत रास्ते पर है तो उसको उसको सुनाओ मत ताने, अच्छा बनाने की कोशिश करो। अच्छा एक बात बताओ, आपको 1,000 रुपए का नोट भेंट में मिले, मतलब गिफ्ट में, कौन कौन आदमी उस 1,000 के नोट को गिफ्ट में लेगा? इतने सीधे कि कोई भी नहीं लेगा, लग तो नहीं रहा। अरे भाई गिफ्ट आपको एहसान में नहीं मिल रहे, गिफ्ट में आप किसी के घर गए किसी त्योहार पे, किसी दिवाली पे, होली पे, तो कोई दे रहा है 1,000 रुपये, कौन कौन लेगा? हाथ उठा के बताए। सब लेंगे, ठीक है सब लेंगे। कुछ लोग सोच रहे इज्जत का सवाल है, कैमरे में ना आ जाए फिर नीचे करके बैठे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो 1,000 रुपए का नोट गीला हो तो कौन कौन लेगा? सब लेंगे। 1,000 का नोट पुराना हो, सब लेंगे। 1,000 का नोट गला हुआ हो, लेंगे कि नहीं? लेंगे, पर दे दो। अगर नोट पे चारों तरफ गंदगी लगी हो तो भी लेंगे। अगर वो 1,000 रुपया का मूल्य इतना है कि चाहे वो बेकार हो, सड़ा हो, गला हो, फटा हो, आप फिर भी लोगे, क्या इंसान का मूल्य उस 1,000 रुपए से भी कम है? क्या वो इस लायक नहीं कि अगर वो बुरा है, वो बेकार है, वो अच्छा नहीं है, क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि उस इंसान को आप अपनाओ और फिर उसको स्वच्छ करने की कोशिश करो? एक सोने का सिक्का, एक चांदी का सिक्का पानी में डूब जाए, आप पंडुबियां नावे लगा देते उसको ढूंढने में। अगर आपके घर का एक चेतना, आपके घर का एक सदस्य कोई गलत काम कर रहा है तो उसको सुधारने की कोशिश करो। कोसते क्यों हो, शिकायतें क्यों करते हो? सबसे बड़ी बात इस कथा से जब जो आप सीख के जाए, किसी की निंदा करना, यहाँ से 3 घंटे के बाद जैसे बाहर निकले, बाहर निकलते ही फिर वही शुरू। क्या आप नहीं चाहते कि 3 घंटे जो आनंद आपको यहाँ आया वो दीर्घायु बना रहे हमेशा के लिए? शिकायत, कुछ लोग तो इतने महान होते हैं वो कथा में सिर्फ आते इसलिए कि चलो देख के आए कथा में क्या क्या कमियां हैं। देखते रहते ध्यान से, खोजते रहते क्या कमी लगे, क्या हम दिखाएं लोगों को, बताएं। कितने लोग मेरे पास आते कहते कि ये सच्चाई है, खासकर मैं इनको बताना चाहूं, हमारे संगीतकार भाइयों को कहते हैं कि आप कथा में ना संगीत बंद कर दो, कथा कोई नाचने का विषय नहीं है, ये तो गहराई का विषय। अरे हाँ बिल्कुल गहराई का विषय, परंतु भगवान के नाम में नाचने से बड़ी भक्ति और दूसरी क्या होगी? हाँ आप सबका सुझाव मुझे जरूर चाहिए कि भाई ये कथा में होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, परंतु आप सुझाव दीजिए, जो अच्छा लगेगा उसको अपनाएंगे, जो नहीं लगेगा नहीं अपनाएंगे। कथा में इसलिए नहीं करती कि आप लोगों को अच्छी लगे, याद रखिएगा, ना ही इसलिए कही जाती कि सामने वाले को अच्छी लगे। कथा इसलिए कही जाती है कोई भी, खासकर एक एक वक्ता
इसलिए कथा नहीं करता कि लोग सुधरे, वो कथा इसलिए करता है कि कहीं मैं बिगड़ ना जाऊं। मैंने पहले ही कह दिया, सुनने वाला तो कोई और बैठा है, इसलिए शिकायतें थोड़ी कम करनी चाहिए। फिर देखिए जीवन कितना आनंद में बीता है, चारों तरफ खुशियां दिखाई देंगी, फिर नहीं गाना पड़ेगा कि दुनिया मेरी किसी काम की नहीं। फिर नहीं गाओगे, फिर कहोगे कि अरे वाह प्रभु, दुनिया कितनी सुंदर है, दुनिया को देखने की आंखें चाहिए, इतनी सुंदर दुनिया है। ये तो हमने अपनी ईर्ष्या से इस दुनिया को ऐसा बना दिया कि दुनिया हमारे किसी काम की नहीं। तो सच्चिदानंद रूप है भगवान का स्वरूप, कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है प्रभु का, जो प्रभु जो दिखते हैं, प्रभु की जो सुंदरता है उसका तो कहना ही क्या। लोग कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा, भगवान को नहीं देखा। अरे कई चीजें ऐसी हैं जिसको हमने नहीं देखा। पृथ्वी बाहर से कैसी दिखती है हमने नहीं देखा आंखों से, लेकिन हाँ कुछ लोग वहां तक गए, कुछ साइंटिस्ट गए, फोटो खींचा और हमें दिखा दिया कि भैया पृथ्वी बाहर से ऐसी दिखती है, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। वैसे ही भगवान को भले हमने अपनी आंखों से नहीं देखा हो, लेकिन जिसने देखा हो उन्होंने इस भागवत में प्रभु का स्वरूप वर्णन कर दिया कि भैया देखो भगवान ऐसा दिखता है, अब तुम यहाँ 7 दिन बैठ करके भगवान के स्वरूप को देखो। प्रभु का स्वरूप तो आप सब, अगर शायद आपने कभी सुना हो, गौड़िया संप्रदाय में श्री जयदेव जी की एक ग्रंथ है गीत गोविंद, वो पूरी भगवान के स्वरूप पर निर्भर है, भगवान दिखते कैसे। प्रभु की जो श्री जयदेव जी कहते हैं, प्रभु की जो भौं है ये क्या है, ये धनुष के समान, जब पलकी ऊपर उठती है तो मानो प्रभु ने प्रत्यंचा चढ़ाई हो, और जब नीचे गिरती है तो मानो प्रभु ने बाण छोड़ा हो, और उस बाण से लाखों लोग घायल हो जाते हैं। भागवत दर्शन कराती है भगवान के स्वरूप का। तो आइए श्री ठाकुर जी के स्वरूप का सभी सभी दर्शन करें। जरी की पगड़ी बांधे, सुंदर आँखों वाला। देखिए बड़ा बहुत प्यारा भजन है, मैंने बहुत दिन तक इसे गाए नहीं, तो बहुत सारे लोगों के कहा भी कि ये भजन हो, क्यों? क्योंकि इसमें प्रभु का स्वरूप है, प्रभु की मुस्कान कैसी है, प्रभु के मुकुट कैसा है, प्रभु के पीताम्बर कैसा है, प्रभु के नेत्र कैसे, तो भाव से दिल से सभी श्री ठाकुर जी का दर्शन करें। जरी की पगड़ी बांधे, सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ हो हो, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ हो हो, ओ हो हो, ओ हो हो, दोनों हाथ उठाते सभी प्रेम लागे।
साजे सर मोर मुकुट विराजे कानों में कुंडल साजे सर मोर मुकुट विराजे कानों में कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे सखिया पगली होती जब जब होंठ पे बंसी बाजे सखिया पगली होती जब जब होंठ पे बंसी बाजे चंदा ये सांवरा तारे हैं ग्वालवार हे चंदा ये सांवरा तारे हैं बाकी बिहारी के मंदिर में बार बार पर्दा लगा देते हैं कि कहीं हमारे बाकी बिहारी को नजर ना लगे, पर्दा फेर दिया जाता है। तो पहला आकर्षण जो प्रभु का है वो स्वरूप है, फिर दूसरा आकर्षण जो प्रभु का है वो स्वभाव है, बड़ा अद्भुत स्वभाव। जितने ये दिखने में सुंदर हैं, उससे कहीं ज्यादा सुंदर इनका स्वभाव है।
इनके पास आए, जिस भाव से आए, बस उसको अपना लेते हैं। गोपियों ने महाराज में कहा था, जब प्रभु से मिलने आई थी, प्रभु ने कह दिया था कि तुम यहाँ क्यों आई हो। गोपियों ने कहा, देखो ठाकुर, आपके अंदर ऐसा कोई बहुत बड़ा गुण नहीं है जिससे हम रीझ जाएं। अगर कोई कहे कि हमारा प्रियतम बड़ा सुंदर है, आप में वो गुण भी नहीं है, आप तो काले कलूटे से हो, हम तो नहीं कह सकते कि आप सुंदर हो। दूसरा, कोई कहे कि उसका प्रियतम बड़ा समृद्ध है, बड़ा धनवान है, तो वो भी आप नहीं हो, गैया चराते चराते घूमते हो, वो भी नहीं हो। बहुत सारी लंबी गोपियों ने एक लिस्ट पकड़ाई। भगवान ने भी सोचा कि आज स्तुति करने वाले भक्त तो बहुत मिले, आज ये पहले भक्त मिली है जो मुझे मेरी गलतियों को गिना रहे। लेकिन फिर गोपियों ने अंतिम में कहा कि प्रभु, हम आपके पास खिंची इसीलिए चली आई क्योंकि आपके अंदर एक सबसे बड़ा महान गुण है। क्या? एक गुण प्रभु, कि आपके चरणों में चाहे कोई पापी आए, चाहे पुण्यात्मा आए, चाहे अमीर आए, गोरा आए, काला आए, आप उसके अवगुणों को नहीं देखते, बस उसके एक गुण पर रीझ करके आप उसको अपना लेते। ये सबसे बड़ा गुण, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, गाया भक्तों ने। वो प्रभु अवगुण नहीं देखता तभी हम जैसे खोटे सिक्के भी चल जाते, वरना तो बड़ा भारी है उसको पाना। लेकिन वो अवगुण नहीं देखता, वो तो बस कहता, एक बार तू मेरे द्वार पर आके प्रेम से दो बूंद आंसू बहा दे। प्रभु को गंगा नहीं बहा सकती, यमुना नहीं बहा सकती, लेकिन प्रेम की दो बूंद भगवान को, भक्त को, भक्त के भाव में बहा के ले जा सकती। स्वभाव बड़ा सुंदर है। तो सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेते वे, प्रभु विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, तापत्रय विनाशाय तीनों तापों को नष्ट करते हैं, दैहिक दैविक भौतिक, हमारे तापों को। देखिए, दुख कभी नहीं मिट सकता, लेकिन दुख के कारण उत्पन्न हुआ ताप जरूर मिट सकता है। दुख कभी नहीं मिट सकता। प्रहलाद जी के ऊपर दुख जरूर आए, लेकिन उस दुख का ताप प्रहलाद जी को दुखी नहीं कर पाए। कुंती के ऊपर भी दुख बहुत आए, लेकिन उस दुख का जो ताप है वो कुंती उससे अप्रभावित रही। अगर एक साधारण से अर्थ में समझाऊं तो एक चूल्हे पर एक जो गैस होती है, चूल्हे पर एक भगोना, एक पात्र रखा हो जिसमें जल हो, आपने उसको उबलने रखा, वो बड़ी तेज उबल रहा है, आप उसको उठाओगे तो वो गर्म लगेगा, आपका हाथ जल जाएगा। लेकिन वही अगर आप हाथ में ग्लव्स पहन के, कोई कपड़ा लेकर के अगर उस भगोने को उठाओ तो गर्म तो वो अब भी है, परंतु आपने हाथ में ग्लव्स पहने हैं, कपड़ा पहना है, इसीलिए वो आपको जला नहीं पाता है। वैसे ही दुख तो सबके जीवन में आता है, भक्त के में भी और जो भक्ति नहीं करता उसके में भी, लेकिन भक्त जब दुख आते हैं तब वो अपने हाथ में ग्लव्स पहन लेता। कौन सा ग्लव्स? कौन सा, सोच के बताइए गड़ी वाले भक्तों। हाँ, देखिए माता जी ने बिल्कुल सही बताया, ये जो है ना, ये भक्त का ग्लव्स है, उसको हाथ में डाल लेता है, पहन लेता है। इसको डाल के दुख भी आए,
दुख खत्म नहीं होता। ध्यान रखिएगा, भक्त के ऊपर तो ये भले ही लोगों ने कह दिया हो कि भक्त जनों के संकट दूर करो, पर ये लाइन मेरी तो आज तक समझ में आई नहीं। भक्तों के ऊपर तो और ज्यादा दुख आता है, परंतु जब ये वो पहनता है, ये जब वो जाप करता है, तो वो दुख दुख ही रहता है, लेकिन वो दुख उस भक्त को प्रभावित नहीं कर पाता। तभी तो उस कुंती ने कह दिया कि प्रभु विपत्ति दे दो, वरना उसके पास विपत्तियों की कमियां थोड़ी थी, भंडार था दुखों का। तो भैया, जिसको दुख के ताप से बचना हो, ये पहन के रखो, बोलते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे बढ़िया दवाई है दुख के ताप से बचने की। कोई जीवन में बड़े सारे दुख है, किसी को, कोई बेचारा धन से दुखी है, कोई बेचारा तन से, कोई बेचारा मन से, कोई आजकल के जीवन में 70% जो आदमी दुखी है वो अपने मन से है, अपनी मानसिकता से। घर में झगड़ा चल रहा है, पति पत्नी की बनती नहीं। किसी ने पूछा कि भैया स्वर्ग कौन कौन जाएगा, तो पत्नी ने हाथ उठा दिया, मैं जाऊंगी। पति वहां पास में बैठा था, उसने कोहनी मारी, बोले तुम्हें नहीं चलना स्वर्ग। पति बोला तू चली जा, तो मेरे लिए तो यही स्वर्ग है, तू जा तो सही, इससे बढ़िया स्वर्ग कहां मिलेगा। थोड़ी देर शांति मिले। अच्छा, अब देखिए आदमी की मानसिकता देखिए। झगड़ा हुआ घर में, झगड़ा हुआ बेटा से, बेटी से, सास से, बहू से, या जो भी हो, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, झगड़ा घर में हुआ अपनी अपनी बुद्धि के कारण, फिर कहता आजकल तो हमारे ग्रह खराब चल रहे, सारा सारी अपनी कमी थोप दी शनि देवता पे, हमारा तो शनि टेढ़ा चल रहा है, देवताओं पर थोप दो सारी गलतियां, जीना आता नहीं और फिर देवताओं को दोष देते, सिस्टम खुद का खराब है। तो किसी ने सच्ची कहा है, कोई तन दुखी, कोई बेचारा बढ़िया पैसा है, सब कुछ है, परंतु कुछ खा नहीं सकता ढंग से, कुछ पी नहीं सकता, शुगर है, मिठाइयां देखता रहता लेकिन खा नहीं सकता। डॉक्टर ने कहा जलेबी मत खाओ, रसगुल्ले मत खाओ, बस उसका दर्शन ही करते रहो। मालिक दुखी है क्यों? क्योंकि खुद नहीं खा सकता और उसका घर का नौकर मौज उड़ाता है। मालिक दुखी की मैं नौकर नहीं हूं, नौकर दुखी की मैं मालिक नहीं। नौकर थाली में अपने मालिक के लिए रोटी सजा के लाया, बड़ी सुंदर रोटी सजा के रखी। मालिक बोला, मालिक ने जैसे देखा तो रोटी में बड़ा घी लगा हुआ था। मालिक ने गुस्से से कहा तुझे पता नहीं है मुझे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा सूखी रोटी का घी मत खा। अरे अरे साहब माफ करना, लगता है आज मैं अपनी थाली आपके लिए ले आया, आपके लिए तो वही सूखी लेके आता हूं। तो मालिक देख रहा है, नौकर मौज उड़ा रहा है, क्यों तन दुखी है। यू हैड स्पेंड इयर्स एंड इयर्स टू बाय अ न्यू एक्सपेंसिव कार, now by the time you have it, now your doctor is prescribing you to walk daily for 2 to 3 kilometers। ये सबसे बड़ी दुखी की बात।
पहले सोचते भगवान गाड़ी दे दे गाड़ी दे दे। अब जैसे गाड़ी आई डॉक्टर ने कहा कि आपको तो अब 3-4 किलोमीटर रोज पैदल चलना। तन से दुखी कोई मन से कोई धन से, परंतु अगर सच्चा आनंद चाहिए तो क्या करे, बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ो, जीवन ऐसा आनंद में बीतेगा आप भी सोचोगे कि वाह प्रभु क्या जीवन दिया था। तो बड़ी ही सुंदर बात श्री भागवत के मत के प्रथम श्लोक में लिखी गई। इसके पश्चात आगे सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में भागवत सुना रहे हैं। 88,000 ऋषि बैठे हैं, सभी आए, सूत जी को ऊंचा आसन दिया, प्रार्थना की महाराज आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो और इस माया जाल से हमें छुटकारा मिल सके। ऐसी कथा जो बहुत बहुत थोड़े समय में आदमी समझ जाए। हमारे पास महीनों का सालों का समय नहीं है कथा सुनने के लिए, बस सार सार सुना दो, निचोड़ सुना दो। फास्ट लाइफ है, इतनी बिजी लाइफ है, कहाँ इतना टाइम, कहाँ इतना समय। आदमी चंद्रमा पर तो पहुंच गया, चंद्रमा पर जाने के लिए उसके पास समय है, परंतु एक सड़क पर अंधे को पार कराने के लिए उसके पास समय नहीं। आज कोई सीधी सादी सी कथा सुनाओ जिससे आराम से प्रभु की प्राप्ति हो सके। तब श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को भागवत की कथा सुनाई। सब प्रथम भक्ति ज्ञान वैराग की कथा को श्रवण कराया। एक बार श्री नारद जी महाराज वृंदावन में यमुना के किनारे किनारे घूम रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक स्त्री बैठी है जो बड़ी दुखी है, रो रही है, और उनकी गोदी में 2 बूढ़े पुरुष पड़े हैं। जैसे उन स्त्री ने नारद जी को देखा, हाथ जोड़ करके कहने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंताम अपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गरम। हे महाराज कुछ क्षण के लिए यहाँ रुकिए और मेरे दुख का निवारण करके जाइए। पूछा, देवी आप कौन हो, ये 2 पुरुष आपके पास पड़े, ये कौन है? बताया, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे ज्ञान और वैराग नाम के बेटे हैं। मैं बड़ी दुखी हूँ क्योंकि वृंदावन से पहले सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे मैं वृंदावन में आई यहाँ आती सब उल्टा हो गया। आती महाराज मैं तो जवान हो गई और मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए। मैं क्या करूँ कि मेरे दोनों बच्चे फिर से युवा अवस्था को प्राप्त करें? तब श्री नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कान में वेद शास्त्र उपनिषद सब सुनाया। ज्ञान वैराग जागे भी परंतु फिर से बेहोश हो गए। सबके जीवन में ज्ञान वैराग जो है वो उचित मात्रा में होते तो हैं, परंतु वो ज्ञान वैराग अभी सोए हुए हैं। 3 घंटे कथा सुनते हैं तो 3 घंटे के लिए ज्ञान वैराग थोड़ी देर जाग जाते हैं। जाग गए, लेकिन जैसे 3 घंटे बाद अपने घर पहुंचे, बीवी बच्चों का चेहरा देखा, परिवार में गए, फिर से वैराग जागता है। और सबसे बढ़िया वैराग तो तब जाते जब घर में झगड़ा हो जाए, तब वैराग देखो।
घर में जरा सा झगड़ा हुआ, अपनी अटैची बिस्तर उठाया, बोले मैं तो वृंदावन जा रहा हूँ। चले तो गए, गुड़गांव के बस स्टॉप तक भी पहुँच गए, अटैची भी ले गए कि मैं तो वृंदावन ही जाके भजन करूँगा। लेकिन वहाँ जाते ही याद आई, अरे तू चला गया तो तेरे पोते पोती कैसे रहेंगे। अटैची उठाई घर वापस, खत्म वैराग्य। इतनी देर जागा फिर सो गया। परंतु ऐसी कौन सी वस्तु है जो वैराग्य को, ज्ञान को, भक्ति को हमेशा बना के रखे। नारद जी को भी समझ में नहीं आई, लेकिन तब सनकादि ऋषियों ने नारद जी को समझाया कि आप उनके लिए भागवत कथा कराओ। भागवत कथा हुई, हरिद्वार के समीप ऋषिकेश आनंद घाट पर 7 दिन तक कथा चली। 7वें दिन ज्ञान वैराग युवावस्था को प्राप्त हुए। दोनों देवी भक्ति के साथ हाथ में मृदंग लेके, करताल लेकर के, देवी भक्ति के साथ कीर्तन करते हुए वहां पर प्रकट हुए। भागवत में वर्णन आता है, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमे कृपा सहसा विराशित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामान मुहुर वदन्ति। प्रकट हुए, कीर्तन करते हुए क्या कहते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। वैराग्य मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु जीवन में सच्ची भक्ति मिलना, हरि भक्ति महादेव्या सर्व मुक्त्यादि सिद्धय, मुक्ति भी भक्ति महारानी की दासी है। तो कहते हैं ठाकुर के मंदिर में जाके मुक्ति दे दे, मुक्ति दे दे, मुक्ति भी भक्ति के पीछे दौड़ती है, दासी है। वृंदावन में मुक्ति जल भरती हुई घूमती है। मुक्ति मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन भक्ति मिलना, रावण को मुक्ति मिल गई, वो रावण भगवान को पा गया, चाहे उसने गलत काम किया, फिर भी उसको प्रभु के दर्शन हुए, प्रभु के हाथों से उसका उद्धार हुआ। कंस भगवान को पा गया, मुक्ति मिली। प्रभु के चरणों में मिनिमम से मिनिमम अगर कोई चीज है तो वो मुक्ति है, और अगर मैक्सिमम कोई चीज है तो वो भक्ति। मुक्ति सबसे छोटी है।
शिशुपाल ने गाली भी दी, खूब गाली दी। भगवान तो मिल गए लेकिन उसको भक्ति का रस नहीं मिला। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि भुक्ति मुक्ति सप्रह यावत पिसाची हृदि वर्तते। अरे यहाँ तक कह दिया कि भुक्ति मुक्ति की इच्छा रखने वाले की जो भावना है वो पिसाची के समान। कितनी बड़ी बात कही। भक्ति रसामृत सिंधु ये बात कहती। जब तक साधक के मन में ये मुक्ति भुक्ति सब जब तक दूर नहीं हो जाती उसको रस नहीं मिलेगा भक्ति का। इसलिए ज्ञान वैराग बड़ी आसानी से मिल सकते। भक्ति बड़ी महंगी चीज है। भक्ति को क्या है, भक्ति क्या है, इसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे 7 दिनों के अंतर्गत। परंतु जरूर याद रखिएगा, भक्ति का मतलब है पूर्ण तरीके से प्रभु के प्रति समर्पण। भरोसा ही भक्ति का दूसरा नाम। हमने कई सारी चीजों को भक्ति का नाम दे दिया। पूजा, पूजा की विधि मालूम नहीं। कुछ एक कोई भाई मुझसे पूछ रहा था कि आजकल मेरी भक्ति बड़ी कम हो गई है। अरे भैया, जीवन में भक्ति अगर एक बार आ गई तो वो कम नहीं हो सकती। भक्ति, हाँ माला कम हो गई ये अलग बात है, भाई मेरी माला कम हो गई, पूजा कम हो गई, ये आप कह सकते हो, लेकिन भक्ति कम हो गई? भक्ति कभी कम नहीं होती। एक बार जिसकी जीवन में आ जाती है, एक बार जिसका जीवन आनंद से भर जाए, मिलेगी कैसे भक्ति, वो श्रीमद् भागवत हमें दे। आज इसी भागवत को सुन के ज्ञान वैराग प्रकट हुए और कीर्तन करें। Thank you.
भागवत कथा के श्रवण से ज्ञान मेरा जो बेहोश थे वापस युवा अवस्था को प्राप्त करते हैं। इसी अत्रते कीर्त यश्याम इतिहास पुरातनम, इसी प्रसंग में एक इतिहास की कथा श्री सूत जी ने सुनाई। इतिहास में एक ब्राह्मण हुए जिनका नाम आत्मदेव था। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर ये रहते थे। इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम धुंधली था। इनके घर में कोई संतान नहीं थी तो बड़े दुखी थे। संतान प्राप्ति की बड़ी प्रयास किए परंतु संतान प्राप्त नहीं हुई। तो एक दिन इच्छा हुई कि ये शरीर किस काम का, संतान नहीं है, वंश आगे नहीं चलेगा। सोचा इससे अच्छा तो इस शरीर को नष्ट कर दूं। एक नदी किनारे बैठे बड़े विचार में थे, दुविधा में कि इस शरीर को नष्ट करूं कि नहीं करूं। इतने में एक संत वहां आ गए, हाथ पकड़ा, बेटा तू बड़ा दुखी है, क्या बात है, कोई परेशानी है? अपनी दुख बताया, महाराज बड़ा दुखी हूँ, कोई वंशज नहीं है, वंश कौन चलाएगा, बड़ा परेशान हूँ, चाहता हूँ इस शरीर को नष्ट कर लूँ। संत हंसे, अरे बेटा इतना सुंदर इतना प्यारा जीवन ठाकुर जी ने दिया, अवसर दिया, और उस अवसर को तू व्यर्थ में नष्ट कर दे। ये एक अवसर है, इसको नष्ट मत कर। और जहां तक बात रही वंश की, तो बेटा तू अच्छा कर्म कर तो तेरा वंश चलेगा, अच्छा कर्म करेगा तो लोग याद रखेंगे। लेकिन अब जिसके जिसके मन में, जिसके सर पर ये इच्छा हो पुत्र संतान प्राप्त हो, कितना भी उसको लाख प्रवचन दो, उसको थोड़ी समझ में आने वाला हो, तो सब ऊपर से ही गुजरेगा। हाँ हाँ, ऐसे प्रवचन तो देने के लिए ही अच्छे हैं। जिसके सर पर माया बैठी है वो कथा में भी आता है, तो कथा भी सुनता है, तो भी पंडाल से निकल के यही बोलता है कि ये सब कहने वाली बातें हैं। उसकी समझ में नहीं आएगा, जिसके ऊपर प्रभु कृपा हो वही समझ सकता है। तो साधु ने बोला कि अरे बेटा तेरे माथे की जो रेखाएं हैं इससे तो मैं देख के बता सकता हूं कि तेरे सात जन्म तक कोई संतान नहीं। आत्मदेव बोला, अरे महाराज सात जन्म की क्या बात करते हो, अगर इस जन्म में ही संतान नहीं मिली तो आपके सामने यही प्राण त्याग दूं। संत ने देखा ये मानेगा नहीं, तो अपनी झोली से संत ने एक फल निकाला, कहा जा बेटा तू इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे घर एक बेटा होगा। संत बड़े दयालु होते हैं, वो किसी का दुख नहीं देख सकते। दूसरों को सुख दे आनंद दे वही संत है। श्री रामानुजाचार्य, इनके गुरुदेव ने इनको दीक्षा दी, मंत्र दिया, ये बड़ी प्रसिद्ध कथा है। तो जब रामानुजाचार्य जी को मंत्र दिया गया तो रामानुजाचार्य जी ने पूछा कि महाराज ये गुरुदेव ने कहा कि बेटा इस मंत्र को किसी को बताना मत, ये मंत्र गुप्त है। अच्छा महाराज इससे होगा क्या, बोले इससे उद्धार हो जाएगा, प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। बोले जो भी रटेगा उसका उद्धार हो जाएगा, बोले हाँ जो इसको रटेगा उसका उद्धार हो जाएगा। बस फिर क्या था, बस रामानुजाचार्य जी बाहर आए, जो मिलता रास्ते चलते हुए आदमी को भी पकड़ के बोलते भैया ये मंत्र तू जपा कर, भैया ये मंत्र बड़ा अच्छा है, ये मंत्र मेरे गुरुदेव ने दिया, भैया तू ये मंत्र जपा कर। तीसरा मिला, सबको बता दिया। अब कुछ जो उनके गुरु भाई थे, अब चिढ़ने वाले भी बहुत होते हैं, गुरुजी के पास जो शिष्य होते हैं ना, अगर 1000 शिष्य तो 1000 अलग अलग शिकायत लेके आते हैं एक दूसरे के,
गुरुदेव भजन करे कि शिष्यों की शिकायत सुलझाए। तो आके बोले, महाराज ये तो बड़ा, आप कहते हो ये बड़ा अच्छा भक्त है, देखो तो सही, सब जगह जाके हल्ला मचा दिया कि सब मंत्र जाप करो, जाप करो, इसे पता नहीं नरक मिलेगा। गुरुदेव ने बुलाया, बेटा मैंने तुझसे मना किया था, ये मंत्र मत देना, मत बताना, बेटा नरक मिलेगा, पाप लगेगा। तब रामानुजाचार्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज मुझे आगे के शब्द याद नहीं रहे, मुझे बस आपके पीछे का शब्द याद रहा कि जो इसे जपेगा उसका उद्धार होगा। तो अगर इतने लोगों का उद्धार करके अगर मुझे नरक में भी जाना पड़े तो मुझे वो नरक भी स्वीकार। बस इनका उद्धार हो जाए। बट एक वार्निंग है कि प्लीज डोंट ट्राई इट एट योर होम। जब कोई कुछ करता है ना टीवी पर उल्टे सीधे, तो कहते हैं कि नीचे लिखा आता है कि भैया कृपया उसको अपने घर पर ट्राई मत करना। तो इसलिए इस बात को भी अपने ऊपर, वो स्थिति पर स्थिति होती है, अगर वहां आप पहुंच जाओ तो अलग बात है। नकल से करोगे तो धोखा खाओगे। संत तो संत होते हैं, संत की कृपा अकारण होती है, कोई कारण नहीं होता। बस लोग कहते हैं मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। मैं तो एक ही बात कहूं, कथा में हजारों श्रोता बैठे हो, भीड़ लगी हो, और अचानक से हमारे ऊपर हमारे सदगुरु की या संत की नजर पड़े और हमें देख के अकारण वो सदगुरु मुस्कुरा जाए, समझ लेना उसी समय आपका मोक्ष हो गया। संत की कृपा भरी नजर मिल जाए। प्रभु की कृपा मिले ये तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु संत की कृपा जीवन में बहुत आवश्यक है। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, आप वृंदावन जाते हो, आप हरिद्वार जाते हो, आप बरसाने जाते हो, जाइए प्रभु के मंदिर, जाइए दर्शन कीजिए। पर अगर सच्चा ठाकुर कहीं देखना है तो ब्रज की कुंज गलियों में, छोटी छोटी सी कुटिया में अपना जीवन जिन्होंने बिता दिया, जिनको शरीर पर वस्त्र तक का भी ख्याल नहीं, ऐसे संतों के दर्शन जरूर कीजिएगा। इस व्यासपीठ पर श्री ठाकुर जी ने बिठाया, मैं वादे के साथ और शायद पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि मैंने ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया होगा कि मुझे इस व्यासपीठ पर बिठाया जाए। लेकिन इतना जरूर है कि किसी संत की, किसी महापुरुष की एक कृपा भरी नजर जरूर हुई होगी जो आज मैं आप सबके सामने बैठी। मैं एक बहुत ही साधारण परिवार, साधारण गांव, साधारण स्थान से हूँ, परंतु एक बात जो हमारे मेरे जीवन में सबसे अच्छी प्रभु की देन मिली वो यही थी कि मेरा बचपन जो गुजरा वो संतों के बीच में गुजरा। महापुरुष बैठे बैठे भोजन कर रहे हैं और सामने जाके हाथ जोड़ के बैठे, और किसी महापुरुष ने खुश होके, प्रसन्न होके
अपनी थाली की एक रोटी उठा के हाथ में दे दी। वो प्रसाद ही आशीर्वाद है जो श्री ठाकुर जी की कृपा हुई कि मैं आपके सामने बैठ सकूं, वरना मेरी क्या औकात। संत कृपा मांगिए प्रभु से, रोज मांगते होगे भगवान हमें गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये दे दो, वो दे दो। आज भगवान से कहिए प्रभु आपकी नजरों में जो पास हो गया हो ऐसे किसी महापुरुष का सानिध्य हमें दिला दो, जिसकी झोली में खुशियां भरी हो ऐसे संत का सानिध्य हमें दिला दो। लोग कहते हैं कि आत्मदेव की कथा ये तो कहानी है। अरे पहले तो कह दिया था 7 जन्म तक बेटा नहीं होगा, फिर फल दे दिया कि बेटा हो जाएगा। अरे भैया तुमने अभी संत कृपा को जाना ही कहाँ है। जब संत कोई संकल्प कर लेता है भगवान को भी उसके भाग्य को बदलना पड़ता है। जब संत कोई संकल्प करता खैर आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, फल मिला, फल को लेके अपने घर आए, पत्नी को दिया। पत्नी ने फल नहीं खाया, वो फल गाय को खिला दिया परीक्षा के लिए। गाय को पुत्र हुआ, नाम रखा गया गोकर्ण, और धुंधली की बहन से पुत्र हुआ जिसका नाम धुंधकारी हुआ। आप सभी जानते हैं दोनों बड़े हुए धुंधकारी राक्षस वृत्ति का था। गोकर्ण महाराज प्रभु के भक्त थे। एक दिन आत्मदेव के मन में वैराग जागा, ये बेटा दिन भर शिकायत लाता है, परेशान करता है, घर को छोड़ के चला जाऊं। गोकर्ण महाराज ने इनको 2 श्लोक सुनाए जिसको गोकर्ण गीता कहा है। देहेस्ति मान सुरुधरे अभिमतिम त्यजत्वम जायाश्रुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण महाराज ने कहा पिताजी ये संसार जो है ये एक दुखालय है, इसमें हमें लगता है कि सुख है, जैसे कि एक स्वान होता है, कुत्ता जो होता है वो कुत्ता एक हड्डी लेता है उसको खाता है, हड्डी बहुत सख्त होती है इसलिए वो उसको तोड़ नहीं सकता, लेकिन हड्डी से उसका मुख जो है वो उसमें जख्म हो जाता है, वो छिल जाता है, उससे खून बहने लगता है। उस कुत्ते के ही मुख में, उस स्वान के ही मुख में खून बहने लगता है, और वो कुत्ता बेचारा सोचता है कि ये जो स्वाद मुझे आ रहा है ये हड्डी में से आ रहा है, जबकि हड्डी में स्वाद नहीं है। वैसे ही व्यक्ति सोचता है संसार में सुख होगा, परिवार में सुख होगा, शायद घर में सुख होगा, शायद बंगले में सुख होगा, लेकिन अगर सचमुच देखा जाए तो सबसे बड़ा आनंद कहीं है तो व्यक्ति के अपने अंदर है। बस कोई उस आनंद को जी लेता है, कोई दिन भर रोता रहता है कि भगवान मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा दुखी हूँ। तो इसके उपरांत श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि गोकर्ण महाराज ने बहुत सारी बातें बताई, कहा हे पिताजी अब बहुत समय हो गया, अब आपका समय है, जाइए भगवान का भजन कीजिए और प्रभु को प्राप्त कीजिए। समय रहते ही संभल जाओ तो ही अच्छा है, धक्के देकर के घसीटे जाओ उससे अच्छा है कि पहले ही संभल जाओ। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जाता है, आप सब कभी ना कभी ट्रेन में सफर करते होंगे, आपने टिकट खरीदी, आप ट्रेन में बैठे, तभी
आपका कोई एक और साथी आया, आपके नजदीक बैठ गया, कोई यात्री आया। आपने देखा लंबा सफर है, अकेले कैसे काटेंगे, चलो इससे थोड़ी मित्रता कर लो, उसको दोस्त बना लो। और भैया कहाँ से आए हो, कैसे हो? और अगर कोई दोस्त स्त्री स्त्री मिल जाए, औरत मिल जाए, फिर तो बात ही अलग है। कब सफर पूरा हो जाए पता भी नहीं चले, ऐसी मित्रता होती है। कई बार हम जब जाते हैं कहीं ट्रेन में प्लेन में, तो कोई साथ में कोई पुरुष मिल जाए तो ठीक है, देख लेता है कि भाई हाँ कोई चंदन वंदन लगा के बैठा है। कभी कभार टीवी में भी देख लिया तो चुप ऐसे टेढ़ा टेढ़ा देखता रहेगा। और कोई मैया अगर मिल जाए बस, अच्छा कहीं जा रहे कथा करने? हाँ। क्या कथा भागवत की करते हो या कुछ और भी करते हो? बड़े सारे प्रश्न होते, पूछो मन। वही हमको कथा करानी है, बजट बता दो, वही बजट का लिस्ट लेके शुरू हो जाती है। खैर, तो कोई आया, आपने उससे मित्रता की कि चलो भैया सफर बड़ा लंबा है, बैठे बातचीत हुई, आप अपने घर से कुछ मिठाई बना के लाए, उससे दे दिया, भैया आप खाओ, वो अपने घर से लाया, उसने आपको खिलाई, मित्रता हो गई। अभी सामने वाले का स्टेशन आ गया जिससे आपने मित्रता की, उसका स्टेशन आ गया, अब उसको उतरना है। उसने कहा अच्छा भैया नमस्कार, अब हम चलते हैं। आपने उसको बाय किया, उसको विदा किया, वो चला गया। दूसरा आया, आपने उससे मित्रता की, थोड़े दूर स्टेशन तक वो चला, वो उतर गया। तीसरा आया, कुछ आते गए कुछ उतरते गए, अब सबका स्टेशन खत्म, अब आया आपका स्टेशन। अब समझदार यात्री तो वही है कि स्टेशन आने से पहले स्टेशन पर ही जो अपने सामान की तैयारी करने लगे कि भैया अगला स्टेशन अब मेरा आने वाला, चलो सामान समेटो, वो समझदार यात्री तैयारी कर ली, स्टेशन आया, बैग उठाया, उतर गए। अगर नहीं उतरोगे तो जबरदस्ती धक्के देके उतार दिए जाओगे, क्योंकि टिकट यहीं तक है। एक काला कोट वाला सीटी लेके आएगा, उसको हम टिकट चेकर बोलते हैं, हाथ पकड़ के नीचे उतार देगा। समझदारी इसी में पहले ही उतर जाओ। वैसे ही ये जीवन रूपी यात्रा शुरू हुई, हमने जन्म लिया, इस यात्रा में सबसे पहले यात्री हमें अपनी माँ मिली, उससे प्रेम हुआ, बातें हुई, धीरे धीरे बड़े हुए, फिर वो मन मित्रों में चला गया, और बड़े हुए, अब माता का स्टेशन आ गया। माता का स्टेशन आ गया मतलब माता जी अब यहीं तक टिकट थी माता जी की, तो वो चली गई। माता जी चली गई, एक यात्री गया तो दूसरा यात्री आ गया, विवाह हो गई, शादी हो गई, पत्नी आ गई, एक नया यात्री जुड़ा, दूसरा जुड़ा, फिर दादाजी चले गए, एक पुराना यात्री गया, फिर एक बच्चा हो गया, नया यात्री आया, कुछ आते गए कुछ जाते गए, अंत में खुद का स्टेशन आ गया। स्टेशन आया, बाल सफेद हो गए, दांत चले गए, दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। भगवान ने कहा भैया अब अपना सामान समेट ले, तेरा टाइम आ गया। फिर भी नहीं मानोगे, फिर भी कहोगे नहीं नहीं भगवान दुनिया में ही रहना है, संसार से जाना नहीं, यही रहूंगा, तो एक काला कोट वाला आएगा, पकड़ के डाल करके ले जाए। कौन सा काला कोट वाला? कौन? यमदूत, पकड़ के डाल के ले जाए। तो इससे अच्छा पहले तैयारी करो, खुशी खुशी जाओ, खुशी खुशी आओ इस दुनिया में। बड़ा कुछ समझाया, आत्मदेव के मन में बात आई, आत्मदेव घर को छोड़ के गए, पीछे से धुंधकारी ने धुंधली को मारा, धुंधली ने आत्महत्या की, पांच वैश्याओं ने धुंधकारी को मिलके मार दिया, धुंध
भिखारी के उद्धार के लिए गोकर्ण महाराज ने अपने गांव में भागवत कथा कराई। 7 दिन तक कथा हुई। एक बांस रखा गया, धुंधकारी बांस पे बैठा, 7 दिन तक कथा सुनी और 7वें दिन कथा के मध्य में धुंधकारी दिव्य पुरुष का रूप लेके कथा के बीच में प्रकट हुआ। दूत आए, धुंधकारी को लेकर के गए। इस प्रकार भागवत के श्रवण मात्र से धुंधकारी का उद्धार हुआ। इसके पश्चात भागवत श्रवण करने की विधि बताई, भागवत कैसे सुननी चाहिए। श्रावण का महीना है, ये बड़ी ही सुंदर बात है। श्रावण का महीना बड़ा ही शुभ बताया गया है, पुरुषोत्तम महीना। परंतु ये भी जरूर याद रखें कि भगवान का सत्संग, भगवान का भजन किसी महीने का मोहताज नहीं है, किसी मुहूर्त का मोहताज नहीं है। ये तो भैया अवसर है, मिल गया है। न जाने अगले जन्म में मनुष्य बने ना बने, न जाने अगले जन्म में महाप्रभु की परिकर के सानिध्य में आए या ना आए, न जाने अगले जन्म में महामंत्र में रुचि हो या ना हो, न जाने अगले जन्म में वृंदावन में निष्ठा हो ना हो, इसलिए आज जो अवसर है उसको बस जी लो। प्रभु की कथा तो जब शुरू हो जाए वही सबसे बढ़िया मुहूर्त है। परीक्षित अगर मुहूर्त दिखवाता तो 7 दिन तो ऐसे ही निकल जाते। इसलिए जब मिले जहां मिले श्रवण करो। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यशा श्रवणा मात्रेण हर्षचित्तं क्षमाशु। सुनने को भी नहीं मिले तो अपने घर में भागवत रखो, गीता रखो, उसका नित्य प्रति पाठ करो। क्या पता एक दिन 10 मिनट की गीता, 10 मिनट की भागवत आपकी जिंदगी को बदल दे। ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है। एक भक्त हैं, वो अभी भी वृंदावन में रहते हैं, वो बताते हैं, अंग्रेज हैं, तो पेरिस से वो है। वो बताते हैं कि एक बार स्टेशन पर, पेरिस के स्टेशन पर बैठे थे तो कोई इस्कॉन के भक्त एक गीता की बिक्री कर रहे थे कि भैया गीता ले लो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो। 10 यूरो में उसने सोचा, ट्रेन उसकी थोड़ी लेट हो गई थी, सोचा क्या करूं बैठे बैठे, तो उसने 10 यूरो की गीता खरीदी और उसे पढ़ने लगा। 10 मिनट बाद उसकी गाड़ी आई, गाड़ी से उसका एक मित्र नीचे उतरा ट्रेन से और उसने आके उससे पूछा, पहली बार मिले थे कुछ बिजनेस के सिलसिले में, तो उसने पूछा कि भैया आर यू जॉन, क्या आपका नाम जॉन है? उसका नाम जॉन था। तब उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि सॉरी, जॉन हैज डाइड जस्ट 10 मिनट बिफोर। उसने कहा भैया क्षमा करो, जॉन था तो सही लेकिन अभी से 10 मिनट पहले वो मर गया। अब आपके सामने वो नहीं बैठा, अब आपके सामने कृष्ण भक्त बैठा। ये सच्ची घटना, 10 मिनट की गीता ने उसका जीवन बदल दिया और आज वृंदावन में सब कुछ छोड़ छाड़ के वो भजन कर रहे हैं। तो इसलिए जरूर ग्रंथ रखें, ग्रंथ पढ़ें, भागवत में भी आए। भागवत में विधि की जरूरत नहीं है, भागवत में विश्वास की जरूरत है। कथा में पैर बंद करके बैठो, कथा में ऊपर बैठो, कुर्सी पर बैठो, नीचे बैठो, कहीं भी बैठो, बस श्रद्धा से सुनो। कुछ लोग इसीलिए लड़ते रहते हैं कि हमें कुर्सी या सोफा नहीं मिला। आजकल तो लड़ाई भी तो वैसे भी कुर्सी की है, ये सब कुर्सी के लिए ही लड़े जा रहे हैं। परंतु जहां जगह, जहां मौका मिले, अवसर मिले, प्रभु की कथा सुनो। तो बड़ी ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का महत्व श्रवण कराया, आप सब ने भी श्रवण किया। महत्व तो बड़ा सुंदर और बहुत विस्तार से है, परंतु समय बहुत कम था इसलिए संक्षेप में हमने श्रवण किया।
कथा को श्रवण करने से और क्या क्या फायदे हैं वो सब आप सब आगे 7 दिन तक श्रवण करते रहेंगे। आज की कथा को हम विश्राम दें, उससे पहले आइए सभी 2 मिनट सूचना श्रवण करें और फिर संकीर्तन करते हुए हम आरती की तरफ बढ़ेंगे। और कोई भी अपने स्थान से उठेगा नहीं, आप सब बैठे रहेंगे, आरती के बाद ही आप सब अपने घर को प्रस्थान करें। राधे राधे। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे सभी प्रेम से भाव से दोनों हाथ उठाते हुए, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी ही पावन दिव्य महिमा पूज्य देवी जी के मुखारविंद से हम कथा की, गीता की, भागवत जी की ग्रंथ की श्रवण कर रहे थे। और ऐसे ही पावन सत्संग करते हुए, ऐसे ही पावन सानिध्य प्राप्त करते हुए जिन दानदाताओं ने, जिन गौ भक्तों ने अपनी पावन सी राशि गौ सेवा धाम के निर्माण में समर्पित की है, उनके पावन नामों की घोषणा, उसके बाद पुनः कथा की ओर चलेंगे। श्रीमती उषा गेरा जी हैं जो कि नहू जिला मेवात से हैं, 5,100 रुपये की राशि समर्पित की है। मैं निवेदन करूंगा अति शीघ्र मंच पर आ जाएं और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। साथ ही साथ जो आस्था टीवी चैनल के माध्यम से जुड़ते हुए जो भक्त अपनी धनराशि का सदुपयोग करते हुए अपनी राशि गौ सेवा धाम के निर्माण में समर्पित करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, उनके पावन नामों की घोषणा। एक गुप्तदान आया है करनाल से 5,000 रुपये का। कार्तिक महोत जी पुरलिया पश्चिम बंगाल से 5,001 रुपये की राशि। सुमन बत्रा जी हैं गुड़गांव हरियाणा से, गीता भवन से 5,100 रुपये। चंद्रमोहन वर्मा जी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से 5,100 रुपये। प्रभाकर भागवत जी औरंगाबाद महाराष्ट्र से 5,000 रुपये। गुणवती बिंदु रानी अपनी बहन ज्योति बहलानी जी की पुण्य स्मृति में जयपुर राजस्थान से 5,000 रुपये की राशि समर्पित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मंगल डे ध्यानी कोट द्वार उत्तराखंड से निवेदन कर रहे हैं, 5,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत कुमार जी रामगंज झारखंड से 5,000 रुपये। डॉक्टर ध्रुव सिंह जी मैनपुरी से 5,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं सभी दानदाताओं को बताना चाहूँगा कि आपके द्वारा दिया गया जो दान है, जो दान की राशि है, धारा 80G के तहत वो संपूर्ण दान राशि या संपूर्ण दान कर मुक्त रहेगा, टैक्स फ्री रहेगा। कालू राम जी हैं गुनीसा जी, श्री जय कालू राम जी गुनीसा जी मेवाड़ा से। श्री चार भुजा ज्वेलर्स मद्रास से निवेदन कर रहे हैं और 11,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विश्वजीत औरंगाबाद से 5,001 रुपये। झरना मुखर्जी कलकत्ता से निवेदन कर रही हैं और 5,001 रुपये की राशि समर्पित कर रही हैं। अंजू जी पानीपत से 5,000 रुपये। श्री विकास जी इटावा से 5,000 रुपये। श्री मुरलीलाल जी गुप्ता अहमदाबाद से 10,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित श्री के एल प्रणामी जी दिल्ली से 5,100 रुपये। गरिमा दुबे जी रायपुर से 5,100 रुपये। आप सभी जानते हैं कि कितनी स्पीड से, कितनी जल्दी हम चाहते हैं कि गौ सेवा धाम का निर्माण हो। साथ ही साथ मैं सभी माताओं से, सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि अपने स्थान पर विराजे रहें। अभी हम सभी आरती का दर्शन करेंगे, उसके बाद ही प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करें। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि गौ सेवा धाम के निर्माण में अपनी जो भी समर्थता है, सहभागिता है, जरूर निभाएं और आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के तहत कर मुक्त रहेगा। तो आप सभी का मैं आह्वान करना चाहूँगा, आप जिसमें भी जैसी आपकी श्रद्धा है, यदि आप निर्माण कार्य में अपना सहयोग देना चाहते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में देना चाहते हैं, या कोई वाहन एम्बुलेंस में अपनी सहभागिता निभाना चाहते हैं, या किसी भी रूप में सेवा करना चाहते हैं, तो आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर जो हमारे नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं उन पर संपर्क करते हुए आप अपनी पावन घोषणा हम तक पहुंचा सकते हैं।
कल पुनः 3 बजे कथा के शुभारंभ में ही आपके पावन नामों की घोषणाओं को लेकर मैं पुनः हाजिर हूँगा। अभी आइए पुनः कथा की ओर। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आइए कथा को विश्राम की ओर ले जाते हुए सभी कल समय पर ठीक 3 बजे कथा का प्रारंभ होगा। आप सभी 2:30 बजे कथा प्रांगण में उपस्थित हो सभी प्रेम से भाव से श्री हरि नाम संकीर्तन करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे I'm
पर हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। हरे Hey.